दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पाप जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये पाप अगले जन्म भी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है जिससे आप अभी तक अनजान हैं। आपको बता दें इस संसार में भांति भांति के लोग होते हैं, कुछ बुरे किस्म के होते हैं जो जिंदगी भर पाप करते रहते हैं, और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो हमेशा पुण्य का कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर आप इस बात को जान लेंगे तो दोबारा यह गलती कभी नहीं करेंगे। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि ये एक ऐसा पाप है जो व्यक्ति के अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है। दोस्तों ईश्वर ये कहता है ये पाप जिस व्यक्ति से हो जाए तो उसे मनुष्य का जीवन बड़ी कठोरता से मिलता है। ऐसे में हम यह जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है जिसे जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पाप कोई और नहीं है बल्कि नारी का अपमान होता है। नारी का अपमान पूरी जाति का अपमान माना जाता है। दोस्तों नारी अपमान संसार को बर्बाद करने के बराबर माना जाता है। जब नारी रोती है तो देवता भी रोते हैं। नारी का कष्ट पूरे संसार को डुबोने के बराबर है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इस बात को गांठ बांध ले और नारी का सम्मान करे तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है जब नारी के आंसू बहते हैं तब प्रलय आता है, और जहां नारी खुश होती है वहां पर देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों ऐसे ही व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति नारी का सम्मान करते हैं। इसलिए दोस्तों आप भी ये बात हमेशा याद रखें और कभी भी नारी को कष्ट ना पहुंचाएं, इसी में ही आपकी भलाई है, अन्यथा आपके ऊपर बहुत सारा अपमान लग सकता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नारी का अपमान करता है ईश्वर उसे कभी भी माफ नहीं करता है। तो आप लोग आज से ये पक्का इरादा कर लें कि आप कभी भी जीवन में नारी का अपमान नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।